हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एन सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस अगर एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमें ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड अगर एलिमेंट और कंपाउंड में आप ऑक्सीजन ऐड करो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड इसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ओ टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस सल्फर तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हो रहा है सल्फर बन रहा है तो यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एच टू एस की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है अगर हम रिडक्शन की बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड अगर हम हाइड्रोजन एड करें एलिमेंट और कंपाउंड में इसे रिडक्शन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड इसे भी रिडक्शन कहते हैं एग्जाम्पल है एच टू एस प्लस सी एल टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल प्लस सल्फर तो क्लोरीन में अगर आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्लोरीन की क्या हो रही है यहाँ पे रिडक्शन हो रही है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HCl अगर इस कंपाउंड की बात की जाए एफ ई टू ओ थ्री प्लस थ्राइस ऑफ सी ओ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एफ ई प्लस सी ओ टू एफ ई टू ओ थ्री से क्या बन रहा है एफ ई बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की न्यू डेफिनेशन की बात करें तो हम ऑक्सीजन की जगह ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी ले सकते हैं और हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी ले सकते हैं तो नया डेफिनेशन क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन का इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोगे और हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रो पॉजिटिव सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं जैसे जिंक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर ऐड किया ZnS बना तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन अगर इस रिएक्शन की बात करें रिजल्ट ऑफ अगर यहां पे देखेंगे यहां पे पोटेशियम चार थे यहां पे तीन हो गए तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है यहां से एक रिमूव हो रहा है तो इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं सिमिलरली रिडक्शन की बात करेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट तो हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हम ले सकते हैं रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी रिमूव करेंगे तो इसे रिडक्शन कहेंगे पहला देखेंगे हमें दिया हुआ एच जी सी एल टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस एन सी एल टू एच जी टू सी एल टू एस एन सी एल फोर अगर इसमें देखोगे ना यहाँ पे मर्करी क्या था यहां पे एक था यहां पे दो हो गया तो इसमें एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एच जी एक था यहाँ पे दो हो गया तो इसे रिडक्शन कहेंगे इस रिएक्शन को देखेंगे FeCl3 H2 था, वो हुआ, तो इसे रिडक्शन कहेंगे नेक्स्ट हम रिडोक्स रिएक्शन की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे सोडियम यहाँ पे क्लोरीन है ये दोनों कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं NaCl जो सोडियम होता है ना वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन ए प्लस वेरस जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सी एल नेगेटिव बनाता है यहाँ पे दो सोडियम है तो लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन होगा दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे दो क्लोरीन है तो गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन होगा द अव प्रोसेस ये जो हमारी रिएक्शन हमने देखी है कैन बी कंसिडर एज टू सेपरेट स्टेप इसे हम दो सेपरेट स्टेप देख सकते हैं एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसे हम हाफ रिएक्शन कहते हैं अगर सोडियम की बात करें अगर हमने हाफ रिएक्शन को एक तरफ लिखा है सोडियम जो है हमारा सॉलिड है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू एन ए प्लस टू इलेक्ट्रॉन जो हाफ रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं तो लॉस ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं एस रिजल्ट इन फॉर्मेशन नेगेटिव गैस तो ये वाला जो हाफ है इसमें क्या हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं अगर हम बात करें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो सोडियम है ना वो क्या कर रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे बट वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था क्लोरीन को खुद तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी सोडियम की बट वो क्लोरीन की रिडक्शन कर रहा था तो इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो क्या होता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सोडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है बट वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वो खुद क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है बट वो ना सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सोडियम की वो क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हमने रिएक्शन में लिया है एक रॉड लिया है मेटेलिक सिंक का और एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट में डाला है जो ब्लू कलर का है दोनों में रिएक्शन होगा अब ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा सिंक में अब हो क्या रहा है इसमें रिएक्शन हो रही है जिंक सॉलिड की फॉर्म में था जो कॉपर था एक्वस फॉर्म में था कॉपर टू प्लस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जेड एन टू प्लस बना एक्वस एंड कॉपर सॉलिड मिला जो कॉपर था वो डिपॉजिट हो गया जिंक में अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है जो जिंक है वो जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो कॉपर टू प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसमें रिडक्शन हो रहा है अगर रिएक्शन को देखा जाए तो इसे कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किए हैं कॉपर टू प्लस को ताकि कॉपर कॉपर प्लस बना पाए अगर जिंक कॉपर टू प्लस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पा रहा है तो जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर नेक्स्ट रिएक्शन है द रिएक्शन बिटवीन कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन वॉटर सपोज कॉपर मेटल का रॉड डाला था सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में कॉपर सॉलिड फॉर्म में था जो सिल्वर नाइट्रेट था वो एक्वस फॉर्म में था तो एजी प्लस की फॉर्म में होगा अब क्या हो रहा है कॉपर टू प्लस बना रहा है सिल्वर हमारा सॉलिड फॉर्म में बन रहा है कॉपर क्या कर रहा है रिलीज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और सिल्वर क्या कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसकी रिडक्शन हो रही है ठीक है तो कॉपर क्या कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दे पा रहा है अभी हमने देखा था जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे पा रहा है जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन सिल्वर को दे पा रहा है द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल इज इन द ऑर्डर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की बात की जाए तो जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर को देता है और कॉपर सिल्वर को दे रहा तो ये हमारा ऑर्डर होगा अब जो जितना इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है ना वो उतना ज्यादा क्या होता है रिएक्टिव बैटल होता है तो सिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देन देन कॉपर सिल्वर और इससे हम बना सकते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें हम मेटल्स को अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना इससे हम गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं ये एक बैटरी है जिससे हम क्या कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इससे हम गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ये इंडिकेटर है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड ये हमें डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन बताता है अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है और ये होता क्या है ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है That an atom would have, एक के के पास है। है। अगर सारे क्या है? है। मतलब हम के जो हैं उन्हें एज ए आइनिक कंसिडर करेंगे और देखेंगे एटम में क्या आ रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे एच है ठीक है इसमें क्या हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है अगर हम इसे आयनिक माने ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा तो अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा ले ले इसमें माइनस वन प्लस वन चार्ज आ जाएगा जैसे एन में था एन ए प्लस सी एल नेगेटिव तो इसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलरली वाटर भी एक कोवलेंट कंपाउंड है अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किए एक बॉन्ड है यहां पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन पे प्लस वन ऑक्सीजन में माइनस वन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन पे प्लस वन ऑक्सीजन में माइनस वन तो ओवरऑल माइनस टू चार्ज आ जाएगा सिमिलरली सी में क्या होगा यहाँ पे दो बॉन्ड है अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो माइनस टू चार्ज आ जाएगा कार्बन पे प्लस टू ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे ऑक्सीजन पे माइनस टू कार्बन पे प्लस टू तो ओवरऑल कार्बन पे प्लस फोर चार्ज आ जाएगा तो इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले अगर जो एलिमेंट है वो अपनी फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट में मतलब वो अगर नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हर एक एटम का वो जीरो होगा जैसे हाइड्रोजन एच की फॉर्म में ऑक्सीजन ओ क्लोरीन Cl2, सी एल टू ओ थ्री होता है फास्फोरस पी फोर सल्फर एसिड सोडियम एन ए मैग्नीशियम एम जी की फॉर्म में नेचुरल प्रेजेंट होते हैं तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो होगा सेकंड है आयन कंपोज ऑफ वन एटम अगर आयन प्रेजेंट है और उसमें सिर्फ एक एटम है जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो चार्ज के इक्वल होगा जैसे अगर Na प्लस दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा एम जी टू प्लस दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगा ऑक्सीजन टू नेगेटिव दिया तो ऑक्सीडेशन नंबर टू नेगेटिव होगा अगर सपोज हमें कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें अल्कली मेटल प्रेजेंट है तो अल्कली मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम इसको हमेशा हम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन देके अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट है सपोज कंपाउंड में जैसे मैगनीशियम कैल्शियम तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आप प्लस टू दोगे और अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस थ्री देंगे फोर्थ है इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरिन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ माइनस वन क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है अगर ऑक्सीजन की बात की जाए नॉर्मली उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है माइनस टू होता है बट इसमें एक्सेप्शन है पहला है जैसे पर ऑक्साइड एन ए टू ओ टू एच टू ओ टू इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का माइनस वन होता है कैलकुलेट कर सकते हैं अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर सारे आइटम का जीरो होता है सोडियम का हमें पता है अल्कि मेटल का प्लस वन होता है दो सोडियम इंटू टू ऑक्सीजन का क्या लेंगे प्लस टू इंटू एक्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो माइनस वन आ जाएगा सिमिलरली सुपर ऑक्साइड जो के ओ टू है इसमें माइनस हाफ होगा पोटेशियम को प्लस वन दे देंगे दो ऑक्सीजन है प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस हाफ हो जाएगा

पहले मेटल है बाद में हाइड्रोजन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन हो जाएगा जैसे एन ठीक है और एम सोडियम का पता है प्लस वन होता है हाइड्रोजन का एक्स होगा ओवरऑल ये जीरो होगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा टू होगा प्लस टू इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अगर बाकी हाइलोजन की बात की जाए जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है अगर ये ना ऑक्सीजन और फ्लोरिन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आ सकता है जैसे Cl2O7 में तो ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू सेवन हो जाएगा इसे हम टू एक्स लेंगे तो ओवरऑल ये प्लस सेवन हो जाएगा सी एल एफ थ्री में क्या हो जाएगा क्लोरीन को एक्स लेंगे फ्लोरीन का माइनस वन इंटू थ्री तो ये प्लस थ्री हो जाएगा अगर हमारे पास एक कंपाउंड है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम जीरो होता है जैसे एच टू ओ न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स अगर आप एड करोगे वो जीरो होगा बट अगर पॉलीएटॉमिक आयन है हमारे पास एक आयन है जिसका चार्ज है जो जो है, जैसे CO3, negative, तो अगर आप सारे एटम्स को करोगे, उनके चार्ज को वो इक्वल हो जाएगा माइनस टू के जो इसका चार्ज है नेक्स्ट हम कुछ कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले एन ए एस टू पी ओ फोर अब फॉस्फोरस का निकालें सोडियम का प्लस वन होगा अगर हाइड्रोजन ना बीच में प्रेजेंट है ना तो उसका हम प्लस वन लेते हैं प्लस वन इंटू टू फॉस्फोरस को एक्स लेंगे ऑक्सीजन माइनस टू इंटू, इंटू फोर इसे कैलकुलेट करेंगे फास्फोरस का प्लस फाइव आ जाएगा एन ए एच एस ओ फोर ठीक है सोडियम का प्लस वन हाइड्रोजन का प्लस वन सल्फर का निकालना ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू फोर न्यूट्रल है तो इस इक्वल टू जीरो एक्स हो जाएगा हमारा प्लस सिक्स सिमिलरली एच फोर पी टू ओ सेवन हाइड्रोजन का अब क्या हो जाएगा प्लस वन इंटू फोर का प्लस टू एक्स माइनस टू इंटू सेवन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा के एम एन ओ फोर की बात करेंगे पोटेशियम को प्लस वन एम एन को एक्स लेंगे ऑक्सीजन माइनस टू इंटू फोर एक्स हमारा प्लस सेवन आ जाएगा सी ए ओ टू में हमें पता है जो कैल्शियम है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है प्लस टू होता है ऑक्सीजन को प्लस टू एक्स ले लेंगे तो हमारा एक्स हो जाएगा माइनस वन अब ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम बोरोहाइड्राइट मेटल पहले है और हाइड्रोजन बाद में है तो इसे हाइड्राइट कहते हैं इसमें क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का माइनस वन हो जाएगा मेटल पहले और हाइड्रोजन बाद में है तो प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू फोर हो जाएगा हाइड्रोजन का कैलकुलेट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री नेक्स्ट है स्टॉक नोटेशन जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पेरेंथीसिस आफ्टर सिंबल ऑफ द मेटल इन मॉलिकुलर फॉर्मुला हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मुला होगा तो जो मेटल है उसके बाद हम ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में क्या लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर उसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं जैसे ऑरस क्लोराइड में जो गोल्ड है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम लिखते हैं ए यू ब्रैकेट में वन लिखेंगे रोमन न्यूमरल ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं ए यू वन सी एल सिमिलरली ऑरिक क्लोराइड में प्लस थ्री होता है तो ए यू ब्रैकेट में थ्री सी एल थ्री स्टेनिस क्लोराइड में एस एन टू सी एल टू और स्टेनिक क्लोराइड में एस एन फोर सी एल फोर तो ब्रैकेट में जब आप ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल में लिखोगे तो उसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं अब ऑक्सीडेशन क्या होता है एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन गिवन सब्सटेंस एक गिवन सब्सटेंस में एलिमेंट होगा उसका जब ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे

ए रियजेंट विच नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन सब्सटेंस तो वो दूसरे एलिमेंट का क्या करता है ऑक्सीडेशन नंबर को कम करता है तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट भी कहते हैं नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें पता है HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है अगर सिंगल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्लोरीन में माइनस वन हाइड्रोजन पे प्लस वन अगर H2 की बात की जाए दोनों की पोलैरिटी सेम है तो दोनों जीरो जीरो हो जाते हैं तो ये चीज आपको याद रखना है तो अगर हम कंपाउंड ले सी 3 2, इसे कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं अगर का पता करें ये 3X हो जाएगा 2 2. करेंगे का 2 2 तो, तो मतलब कार्बन तो तीन कार्बन है तो इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते अब हम पता करेंगे अब डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक करोगे ऑक्सीजन का माइनस टू आ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन का प्लस टू इस कार्बन से जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्योंकि कार्बन, कार्बन से है। और दोनों की में -2, कार्बन, पे प्लस तो कार्बन का प्लस टू जीरो प्लस टू होगा सिमिलरली बी आर थ्री ओ एट में ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में अगर इस बी आर की बात करें तो डबल बॉन्ड है तीन ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक करोगे माइनस टू माइनस टू माइनस टू यहाँ पे तीन बार प्लस टू आ जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा यहाँ से इस बी से जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि सेम पोलैरिटी है यहां पे भी जीरो होगा इस बी की बात किया जाए तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां परोगे प्लस टू प्लस टू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस बॉन्ड तीन डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो प्लस सिक्स सिमिलरली एस फोर ओ सिक्स टू नेगेटिव आयन की बात की जाए यहाँ पे सल्फर है ये सेंटर वाले सल्फर को देखो इसके अराउंड भी सल्फर है तो जीरो हो जाएगा इसके सराउंड भी सल्फर है तो जीरो हो जाएगा इस सल्फर की बात करें यहाँ पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है minus two, minus two, plus two, plus two, और है तो plus one, तो ये तो प्लस वन तो टोटल ये हो जाएगा, सिमिलरली सिमिलरलीफ ई थ्री ओ फोर की बात की जाए अगर हम एफ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे थ्री एक्स माइनस टू इंटू टू इज टू जीरो होगा तो इसके केस में क्या होता है एफ ई थ्री ओ फोर जो है वो एक्चुअली बनता है एफ ई ओ से फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड एफ ई का प्लस टू होता है एफ ई टू और थ्री में एफ ई का प्लस थ्री होता है और दोनों को जब कंबाइन करके हम एफ ई थ्री ओ फोर के फॉर्म में लिखते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दीस आर द रिएक्शन इन विच टू एटम्स इसमें दो एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन करके बना सकते हैं थर्ड मॉलिक्यूल तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म जो हमारा रिएक्टेंट है एटलीस्ट एक रिएक्टेंट हमारा एलिमेंटल मतलब नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है कंबाइन करके सी टू बना रहे हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से प्लस फोर जा रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का जीरो से माइनस टू इसमें रिडक्शन हो रहा है सिमिलरली मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कंबाइन करके एम जी थ्री एन टू बना रहे हैं मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन में रिडक्शन हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे इट लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड इसमें ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड हो रहा है इन टू टू और मोर कंपोनेंट्स में तो इसे डिकम्पोजिशन कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट और जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए एलिमेंटल स्टेट मतलब नेचुरल स्टेट पे प्रेजेंट होना चाहिए जैसे एच टू ओ है इसका ब्रेक डाउन पे एच टू एंड ओ टू दोनों एलिमेंटल स्टेट पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन से जीरो जा रहा है तो इसमें क्या हो रही है डिडक्शन ऑक्सीजन का माइनस टू से जीरो तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है के सी एल ओ थ्री की बात करेंगे इसमें के सी एल एंड ओ टू

तो इसमें मेटल का एटम जो आयन है इसे डिस्प्लेस कर रहा है अनदर मेटल और आयन तो मेटल मेटल को metal डिस्प्लेस कर रहा है तो उसे मेटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जैसे जिंक है कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर प्लस एसओ फोर बना रहा है अगर जिंक की बात की जाए ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से प्लस टू हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर प्लस टू से जीरो इसमें रिडक्शन हो रहा है सिमिलरली टी आई सी एल फोर प्लस एमजी रिजल्ट इनफॉर्मेशन ऑफ टी आई एम जी सी एल टू का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पे 0 इसकी रिडक्शन और Mg 0 से plus 2 इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और मेटल को मेटल डिस्प्लेस कर रहा है अगर बात की जाए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की तो इसमें एक नॉन मेटल और एटम और उसकी आयन को डिस्प्लेस कर रहा है मेटल तो नॉन मेटल को मेटल उसका एटम और आयन डिस्प्लेस कर रहा है तो उसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जैसे सोडियम है एच टू ओ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन और एन एच बना रहा है तो इसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है हाइड्रोजन का डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सिमिलरली जो जिंक है एच सी एल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एच टू प्लस जेड एन सी एल टू बना रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है हाइड्रोजन का डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है फोर्थ है डिस रिएक्शन दीज आर द रिएक्शन इन विच ए सिंगल स्पीशीज इस रिएक्शन में जो सिंगल स्पीशीज हैं वो ऑक्सीडाइज होती है साथ में वो रिड्यूस होता है साइमल्टेनियसली उसे हम डिसपोशनेशन रिएक्शन कहते हैं तो एक सिंगल एलिमेंट क्या हो रहा है रिएक्टेड से प्रोडक्ट में वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूज दोनों हो रहा है साइमल्टेनियसली रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट हैन हैव एटलीस्ट थ्री वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो जो एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है उसमें एटलीस्ट थ्री वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमें पता है पर उकसेट में ऑक्सीजन माइनस की फॉर्म में होता है जब ये क्या होगा हीट करोगे तो एच टू ओ प्लस ओ टू मिलेगा अब यहाँ पे क्या आ रहा है एच टू ओ में माइनस टू और यहाँ पे जीरो होता है तो ऑक्सीजन माइनस वन से जीरो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और माइनस वन से माइनस टू रिडक्शन हो रहा है तो साइमेंटेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो इसे डिस रिएक्शन कहते हैं सिमिलरली क्लोरिन प्लस ट्वाइस ऑफ ओ एच नेगेटिव सी एल ओ नेगेटिव प्लस सी एल नेगेटिव एच टू ओ

सबसे पहले आपको क्या करना है अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आपको एटम दिए हुए हैं उसको आपने क्या करना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप क्रोमियम सल्फर क्रोमियम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यहाँ पे क्रोमियम 2x हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू माइनस टू सॉल्व कर लोगे तो x इज इक्वल टू प्लस सिक्स आ जाएगा एसओ थ्री टू नेगेटिव में x माइनस टू इंटू थ्री ऑक्सीजन माइनस टू होता है इंटू थ्री इज इक्वल टू माइनस टू सॉल्व कर लोगे प्लस फोर आ जाएगा सीआर थ्री प्लस है तो ये थ्री प्लस होगा So को करोगे so तो आप क्या कर लोगे लोगे पे oxidation number इनके ऊपर लिख इसका plus six, plus four, plus and plus Next, आप क्या करोगे आप देखोगे जो एटम्स हैं क्या ये बैलेंस्ड है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे क्रोमियम दो है ना तो आप यहाँ पे टू लगा लोगे बाकी जो सल्फर है वो बैलेंस है ऑक्सीजन को हम बाद में बैलेंस करेंगे ठीक है अब हम क्या देखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है जो क्रोमियम था ना ये प्लस सिक्स से थ्री पे जा रहा है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है तीन हो रहा है बट ये पर एटम दिया हुआ है पर एटम डिक्रीज थ्री हो रहा है बट यहाँ पे दो एटम है तो इंटू टू करेंगे सो ओवरऑल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है सिक्स हो रहा है तो रिडक्शन इसमें हो रही है अगर SO3 थ्री टू नेगेटिव से SO4 फोर टू नेगेटिव की बात की जाए तो प्लस फोर से प्लस सिक्स में जा रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टू हो रहा है अब याद रखना रिडॉक्स रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना इक्वल होते हैं तो ये जो नंबर होने चाहिए ये इक्वल होने चाहिए डिक्रीज इन इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर नंबर एंड इंक्रीज पे 6 है, यहाँ पे है है तो हम क्या करेंगे इसे ना थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया तो यो जगह थ्री एसओ थ्री टू नेगेटिव ये हो थ्री एसओ फोर थ्री नेगेटिव अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे हम काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है सेवन प्लस नाइन टोटल सिक्सटीन है यहाँ पे कितने थ्री इंटू फोर हो जाएंगे 12. अब जहाँ पे ऑक्सीजन कम है ना उतने amount of, of water करोगे तो यहाँ पे चार ऑक्सीजन कम थे तो आप यहाँ एसिडिक मीडियम है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे लेफ्ट हैंड एट हाइड्रोजन थे तो लेफ्टच प्लस डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करेंगे इन बेसिक मीडियम हमें इक्वेशन दिया एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस बी आर नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम एन ओ टू बी आर ओ थ्री नेगेटिव बेसिक मीडियम हमने जो एसिडिक मीडियम वाली बैलेंसिंग किया वहां तक बैलेंसिंग करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे सबसे पहले एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उनका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एम एन का निकालेंगे एक्स माइनस टू ऑक्सीजन का होता है इन टू फोर इजक्वल टू माइनस वन तो ये प्लस सेवन हो जाएगा

तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है 6 हो रहा है यहां पे थ्री था यहाँ पे सिक्स था दोनों को हम इक्वल रखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए तो इंटू टू करेंगे तो ये टू कर देंगे इसे हम ट्वाइस ऑफ एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस बी आर ट्वाइस ऑफ एम एन ओ टू प्लस बी आर ओ थ्री नेगेटिव ऑक्सीजन देखेंगे दोनों तरफ ये टू इंटू फोर एट हो जाएंगे यहां पे फोर प्लस थ्री सेवन यहाँ पे एट है यहाँ पे सेवन है तो डिफरेंस ऑफ वन है तो यहाँ पे हम वन एच टू एड करेंगे जितना आपने एच टू एड किया ना तो आप देखो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे आप यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे टू एच प्लस एड करेंगे तो अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में जितना आपने एच प्लस एड किया सेम अमाउंट ऑफ ओ एच नेगेटिव आप दोनों तरफ ऐड करोगे तो ये टू ओ एच नेगेटिव यहाँ पे टू ओ एच नेगेटिव टू एच प्लस टू ओ एच नेगेटिव कंबाइन करके दो वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और ये ऐसे ही रहेगा अब यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड पे एक है तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक रहेगा तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सेकेंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्स रिएक्शन है हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये हम एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में कर सकते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया है रिएक्शन दिया है

अब हम ना सेपरेट रिएक्शन लिखेंगे हाफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे Fe2+ Fe3+ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ बनाएगा वेरा सी आर टू ओ सेवन टू नाइटी में क्रोमियम प्लस सिक्स था ये प्लस थ्री बना रहा है तो इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन हाफ में जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेंगे Fe2+ Fe3+ बना रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से हम इसे बैलेंस कर देंगे नेक्स्ट हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव सी आर थ्री प्लस इसमें हम हाँ सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे यहाँ पे दो थे तो यहाँ पे टू सी आर थ्री प्लस लगा देंगे यहाँ पे सेवन ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप उतने अमाउंट ऑफ यहाँ पे सेवन एच टू ओ एड करोगे अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे फोर्टीन हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे हम फोर्टीन एच प्लस लगा देंगे अब हम दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे सबसे पहले चार्ज देख लेते हैं यहाँ पे माइनस टू था यहां पे टोटल चार्ज कितना प्लस 14 तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 6 करेंगे, तो दो, दोनों तरफ चार्ज सिक्स सिक्स हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स थे बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए तो पहली रिएक्शन को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव यह थ्री प्लस टू सी आर थ्री प्लस सेवन एच टू तो ये बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट हम हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंसिंग करेंगे इन बेसिक मीडियम हमें दिया हुआ है रिएक्शन एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस आई नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम एन ओ टू प्लस आई टू बेसिक मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे सबसे पहले एम एन का

और अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करा ये प्लस टू होगा रिडक्शन हाफ में जो एम एन है प्लस सेवन से प्लस फोर जा रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है दोनों को लिख लेंगे एम एन ओ फोर नेगेटिव एम एन ओ टू ठीक है दोनों को लिख लिया आपने अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे यहाँ पे चार थे यहाँ पे दो है तो यहाँ पे टू एच टू ओ लगा देंगे उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे यहाँ पे चार हाइड्रोजन है फोर एच प्लस लगा देंगे बेसिक मीडियम में हम सेम अमाउंट ऑफ क्या करते हैं ओ एच नेगेटिव दोनों तरफ ऐड करेंगे अब यहाँ पे जो H प्लस ओ एच नेगेटिव मिलकर क्या बना देगा फोर एच टू ओ और यहाँ पे टू एच टू ओ है तो कैंसल होकर यहां पे हमें टू एच टू ओ मिल जाएगा बाकी सेम रहेगा नेक्स्ट हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज देखेंगे यहाँ पे माइनस वन है राइट हैंड साइड में चार्ज देखेंगे फोर ओ एच नेगेटिव यहां पे माइनस फोर है यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे माइनस फोर है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो हम यहाँ पे प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है तो ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से इसे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से और हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ठीक है तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिक्स आई नेगेटिव टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस फोर एच टू ओ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थ्री आई टू टू एम एन ओ टू प्लस एट ओ एच नेगेटिव नेक्स्ट है कर सकते हैं और हम डिटेमाइन कर सकते हैं इससे स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट हम रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं यूजिंग ए रिडोक्सेंसिटिव इंडिकेटर तो हम इंडिकेटर यूज करते हैं और जैसे ही एंड पॉइंट आता है ना रिडॉक्स रिलेक्शन खत्म होता है तो इंडिकेटर कलर देता है अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर हो सकते हैं सबसे पहले इफ द रियस सेल इज इंटेंसली कलर जो रिएजेंट है उसका खुद का इंटेंस कलर है और वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है जैसे पर मैग्नेट आइन एम एन ओ फोर नेगेटिव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और ये सेल्फ इंडिकेटर है विजिबल एंड ऑक्सीडेट इज ऑक्सीडाइज अब क्या होता है ये जो पर मैगनेट आइन है ना ये ऑक्सीडाइज कर सकता है रिडक्टेंट को जैसे फेरस और ऑक्सीडेट आयन जब ये ना इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है ना तो सोल्यूशन कलरलेस होता है बट जैसे क्या होता है लास्ट रिडक्टेंट क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड पॉइंट आ जाता है रिएक्शन का तो उसके बाद जब आप क्या डालो पर मैग्नेट आइन डालो तो सोल्यूशन का कलर शो होता है सेकेंड है इंडिकेटर विच आर ऑक्सीडाइड इमीडिएटली आफ्टर लास्ट ड्रॉप ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड जैसे रिएक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है जो इंडिकेटर है कुछ इंडिकेटर क्या हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं और वो कलर शो करते हैं जैसे हमें डाइक्रोमेट आयन दिया इट ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर डायफिनाइल अमाइन जस्ट आफ्टर द इक्वलेंस पॉइंट टू प्रोड्यूस इंटेंस ब्लू कलर तो जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है ना वो क्या करेगा रिएक्शन शो करेगा और जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाएगा एंड पॉइंट आएगा उसके बाद क्या होगा ये ऑक्सीडाइज कर देगा डाईफिनाइल अमाइन को जो एज ए इंडिकेटर है इसे ऑक्सीडाइज करके ये इंटेंस ब्लू कलर देगा और हमें पता चलेगा रिएक्शन खत्म हो गया है थर्ड है जो स्टार्च है उसे भी हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ दोन विच कैन आइदर ऑक्सीडाइज वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आई नेगेटिव आइन को आई टू में जैसे कॉपर टू प्लस जहां वो रिएजेंट हम ले सकते हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं आई को आई नेगेटिव आयन में जैसे आयन नेगेटिव एज इट गिव इंटेंस ब्लू कलर जो स्टार्च है ना वो इंटेंस ब्लू कलर देता है मॉलिकुलर आयोडीन I2 के साथ तो उससे हम इसे इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसिस रिडॉक्स कपल क्या होता है इट इज डिफाइंड एज हैविंग टूगेदर द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस तो साथ में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है टेकिंग पार्ट इन एन ऑक्सीडेशन या तो वो ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन हाफ बना सकते हैं जैसे डेनियल सेल है इसमें दो रिडॉक्स कपल है एक है जेडन प्लस टू जेडन एक है कॉपर टू प्लस टू कॉपर तो ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म है तो ये जो जेडन वाला है ना ये ऑक्सीडेशन हाफ बनाता है तो ये एक रिडॉक्स कपल है और दूसरा रिडॉक्स कपल क्या बनाता है रिडक्शन हाफ बनाता है हम क्या करते हैं डेनियल सेल में एक तरह हम जिंक कोई रॉड को डिप करते हैं जिंक सल्फेट में और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं और दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं जैसे कनेक्ट करते हैं ना तो जिंक क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है तो जिंक रिजल्ट इन ऑफ जेड एन प्लस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है और इसे हम एनोड कहते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो चार्ज नेगेटिव होगा अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करें तो यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन होता है जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर प्लस, प्लस, प्लस आयन है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो इसे कैथोड कहते हैं तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कॉपर टू प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसे रिडक्शन हाफ कहते हैं ठीक है अब याद रखना ये ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है यहाँ पे जिंक की आयन इंक्रीज होती है कॉपर यहाँ पे जाता है ना रॉड की तरफ तो सल्फेट की आयन इंक्रीज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इंक्रीज होने से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका जो सेल है वो स्लो डाउन हो जाता है तो हम ना इसे कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से जो सॉल्ट ब्रिज है ना वो एक इन्वर्टेड ट्यूब होता है इसमें अगार अगार जेल होता है सेमी सॉलिड होता है जेल ताकि ये पोरस हो और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे के सी एल के एन ओ थ्री तो हम इसलिए डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट सपोज आपने के सी एल डाल दिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जेड एन टू प्लस की कंसेंटेशन ज्यादा होगी कॉपर यहाँ पे जा रहा तो सल्फेट की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी तो के सी एल में जो सी एल एक्टिव है जेड एन के साथ कंबाइन करके बना देगा जेड एन सी एल टू और सल्फेट के साथ पोटेशियम कंबाइन करके बना देगा के टू एस ओ फोर तो ये सोल्यूशन को क्या कर देते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहती है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप एट द इंटरफेस ऑफ मेटल एंड इट्स ओन आयन इन द दोल्यूशन अब जो मेटल था उसे हमने डिप किया था उसकी आइंस में उसके इलेक्ट्रोलाइट में अब दोनों का क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और ये क्या बताता है हमें टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड

किसी का आया है नेगेटिव ई नॉट तो इसका मतलब क्या है जो रिडॉक्स कपल है ना वो एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू एच प्लस एच टू कपल और अगर किसी का ई नॉट का वॉल्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो रिडॉक्स कपल है उस वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कम्पेरिजन हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकते हैं नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करेंगे हम कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे कुछ एलिमेंट के ठीक है यहाँ पे फ्लोरीन है यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स अरेंज हैं अगर फ्लोरीन की बात की जाए उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 2.87 और लिथियम की सबसे कम -3.05 सपोज अगर आपके पास ना दो ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है तो जिसका हायर वैल्यू होता है ना वो कैथोड की तरह काम करता है क्योंकि उसमें ईजी रिडक्शन होता है तो इसमें देखा जाए ना जो फ्लोरिन है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो वो इजीली रिडक्शन शो कर सकता है और जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो याद रखना ईजिली ऑक्सीडेशन शो करता है तो जितना कम वैल्यू है वो ऑक्सीडेशन करेगा तो उसे हम एनोड की तरफ ले सकते हैं और अगर ये रिडक्शन शो करता है ना तो याद रखना जो रिडक्शन शो करता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो जितना वैल्यू ज्यादा होगा इनोट का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जितना कम वैल्यू होगा वो उतना स्ट्रांग क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो लिथियम एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा आई होप आपको इस चैप्टर का रिविजन समझ आया हो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर के भी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा सी यू एंड बाय